टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ब्लॉक डायग्राम क्या है हमारे पास, किस तरीके से हमारी डिफरेंट यूनिट जो कंप्यूटर की हैं वो आपस में इंटर रिलेट हैं, ये हम ब्लॉक डायग्राम से सीखते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी कुछ बेसिक यूनिट्स हैं। पहला आपका इनपुट यूनिट है जो डेटा फीड करता है, इसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। और ये आउटपुट यूनिट, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है इसको फिर हमने तीन हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक तो मेन मेमोरी हो गया, एक ये कंट्रोल यूनिट और ALU हो गया, दूसरा तीसरा जो है सेकेंडरी मेमोरी हो गया। डेटा इनपुट यूनिट से मेन मेमोरी में जाएगा, फिर यहाँ से कंट्रोल यूनिट इसको या तो प्रोसेसिंग के लिए भेजेगा या आउटपुट यूनिट पे भेजेगा। अब हर एक यूनिट को इंडिविजुअल पढ़ रहे हैं। सबसे पहला हुआ इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट लिंक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन एंटर इनपुट यूनिट इन अ फॉर्म ऑफ विच डिपेंड अपॉन डिवाइस, इट कन्वर्ट दीज इंस्ट्रक्शन एंड डेटा इन कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म। कंप्यूटर इसका काम क्या होता है, इनपुट यूनिट का, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से लिंक करता है हमारे कंप्यूटर को, और डेटा और जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो इस फॉर्म में कन्वर्ट की जाती है ताकि कंप्यूटर ने एक्सेप्ट कर सके। इट सप्लाई एंड कन्वर्ट इंस्ट्रक्शन एंड डेटा टू द कंप्यूटर सिस्टम फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। और इसके बाद जो है इस डेटा को आगे की प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर के पास भेज देते हैं। आउटपुट यूनिट इट एक्सेप्ट द रिजल्ट प्रोड्यूस बाई द कंप्यूटर विच आर इन कोडेड फॉर्म। और आउटपुट यूनिट का काम क्या है, रिजल्ट कोडेड फॉर्म में जो हमारा प्रोड्यूस हुआ है प्रोसेसिंग यूनिट से उसको एक्सेप्ट करना। इट कन्वर्ट दिस कोड रिजल्ट टू द ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म। इसके बाद इन कोड को हम ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इट सप्लाई द कन्वर्टेड रिजल्ट टू द आउटसाइड वर्ल्ड, और इसके बाद ये आउटसाइड वर्ल्ड में इस रिजल्ट को सप्लाई कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है, अगर हम मेमोरी की बात करें तो ये दो हिस्सों में हम डिवाइडेड है, डिवाइडेड कर सकते हैं। पहला हो गया प्राइमरी मेमोरी, दूसरा हो गया सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी आल्सो नोन एज मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी बोलते हैं। मेन मेमोरी इज यूज टू होल्ड द पीस ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड डेटा इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग। और इसका काम क्या है मेन मेमोरी का, वो पीसीज हमारे प्रोग्राम्स के इंस्ट्रक्शन, पीसीज प्रोग्राम का मतलब होता है इंस्ट्रक्शंस, उनको होल्ड रखना। सेकंड जो है इंटरमीडिएट जो रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको स्टोर रखता है। डेटा इन प्राइमरी मेमोरी टेम्पररी इन नेचर एज द कंप्यूटर स्विच ऑफ डेटा इन मेन मेमोरी इज आर लॉस्ट। प्राइमरी मेमोरी में जो डेटा है वो टेम्पररी नेचर का होता है और जैसे कंप्यूटर को बंद करते हैं तो वो खत्म हो जाता है। सेकेंडरी मेमोरी आल्सो कॉल्ड एक्सेलरी मेमोरी, द मेमोरी यूज टू होल्ड डेटा विच आर परमानेंट इन नेचर। हाँ, हेलो। हाँ अभिषेक बताइए। अभिषेक पूछ रहा है कि सेकेंडरी मेमोरी कितने तरह की होती है। बेटा बता रहे हैं, सेकेंडरी मेमोरी के कुछ हमारे बेसिक टाइप है, जैसे आपका हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम, डीवीडी रोम, और आजकल जो आता है पेन ड्राइव, इसको भी हम स्पेशल तरह की सेकेंडरी मेमोरी बोल देते हैं। एक्चुअली में पेन ड्राइव तो फ्लैश मेमोरी है, लेकिन ये भी सेकेंडरी मेमोरी ही कह सकते हैं इसको। ठीक है बेटा, ओके। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट ALU फॉर कंप्यूटर सिस्टम इज अ प्लेस वेयर द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक प्लेस लाइक कैलकुलेशन एंड कंपेरिजन्स। ALU हमारा वो पार्ट है कंप्यूटर का जहाँ पे हमारा अर्थमेटिकल ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। कंट्रोल इट इट मैनेज एंड कोऑर्डिनेट द एंटायर सिस्टम, इट ऑब्टेन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेन मेमोरी एंड आफ्टर इंटरप्रेट जनरेट सिग्नल दैट मैनेज ओवरऑल फंक्शनलिटी ऑफ द सिस्टम। जो हमारा सारा वर्क हो रहा है उसको कंट्रोल यूनिट मैनेज करता है, और कोऑर्डिनेशन का ये हमारा पूरा जो है ब्लॉक डायग्राम हो गया। ये हमारी बेसिक यूनिट्स किस तरीके से आपस में इंटर रिलेटेड हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने ब्लॉक डायग्राम में अभी सीख ली हैं। आज के लेक्चर में इतना ही है बेटा, थैंक यू।